एबीपीएस न्यूज सच का साथी। 18/11/18 को अंबेडकर पार्क सिविल लाइन मुरादाबाद में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विधिवत चुनाव के माध्यम से चुनाव हुआ। कितने लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया जो आपको निर्विरोध चुना गया, तो कितने लोगों ने वोट डाले थे सर? वैसे तो सैकड़ों लोग आए हुए थे, लेकिन जब किसी का आवेदन नहीं आया, तो इन लोगों ने निर्विरोध चुनाव किया। अच्छा, सर जो आपकी समिति वो कितने लोगों की है इस समय? समिति तो जो हमारे चुनाव आयोग में है, हमारे संस्थापक महोदय मौजूद हैं, उसमें करीब 100 लोग के आसपास संस्थापक सदस्य हैं, और जो हमारी राष्ट्रीय बॉडी होती है वो 25 लोगों की होती है। अच्छा सर, आपकी वर्तमान समय में समिति कितने लोगों की है जो आपको चुना गया है? वर्तमान समय में तो हमारे माननीय संस्थापक महोदय ये बता पाएंगे कि कितने लोगों की समिति है, कौन कौन लोग किस किस पद पर विराजमान है। ये चीज मैंने कल माननीय संस्थापक महोदय जी से मांगी थी कि हमें वो जो सूची है वो मुहैया कराई जाए, हमारे कौन कौन लोग किस किस पद पे हैं, जिससे हम अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन आगे कर सकें। अच्छा, इसमें जो है कि नाम है, किसके आदेश से चुनाव वगैरह होया ये? किसके आदेश? जी हाँ, देखिए मजेदार वो दीजिए जरा मुझे। हमारे जो संस्थापक द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हुए थे श्री चंद्रसेन भारती जी, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से 24/10/18 को अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हमारे जो मेंबर थे, पार्टी हमारी 17 से निष्क्रिय है, चली आ रही है, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा, तो जो चुनाव संस्थापक कमेटी के मेंबर थे उन्होंने अंबेडकर पार्क 30 तारीख को अंबेडकर पार्क में एक मीटिंग की, जिसमें आर के आर्यजी को पर्यवेक्षक बनाया गया, और ये निर्णय लिया गया कमेटी के द्वारा कि इसका आने वाली 18/18 को चुनाव किया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। अच्छा, के द्वारा सर आपको चुना गया, तो इस समय कोई पार्टी में कोई मतभेद तो नहीं है आपके चुनाव को लेकर जो आपको चुना गया है? हमारे पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, हमारे संस्थापक महोदय हमारे साथ हैं और दिल से और सच्चे दिल से हमारे साथ हैं, उन्होंने अपने दिली आशीर्वाद हमें अपना दिली आशीर्वाद दिया है। देखिए हाँ, सभासद के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को हम उनकी जो शुल्क होती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तो शुल्क हम जमा कर दिए हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग में हमको शुल्क नहीं दे पाए, जिससे कि हम राज्य जिसमें सभासद और मेयर का चुनाव लड़ सके, क्योंकि हमारा नाम यूपी के अंदर यूपी राज्य निर्वाचन आयोग में लिस्ट से हटा दिया गया है।